भाई यहाँ से तुम 50 किलोमीटर इधर उधर चले जाओगे। मायावती जी ने बहुत काम किया और पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बहुत काम किया। ये किसान जो बैठा है ना, जो हम सब बैठे हैं ना, हम सब बड़े वाले हिंदू बन गए थे, लेकिन हमारे जो लात मारी है इन्होंने हमारा हिंदुत्व, सबसे पहले हमें जमीन बचाने और रोटी खाने के लाले पड़े। यादव जी कौन सा समीकरण है, किस समीकरण से आएगा? मुझे ये बताओ, तुम जिस समीकरण की बात करते हो क्या वो समीकरण बदल गया है? भारतीय जनता पार्टी को लोगों को पता नहीं था भारत योगी आदित्यनाथ जी कौन सी जाति से आते हैं, लोगों को पता नहीं था कि भारतीय आज जो उत्तर प्रदेश में कौन लोग राज्य कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कि ISPCS किस कौन से लोग हैं, लोगों को पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को कहने से और भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें दी, किसी ने जाति बिरादरी देखी? 2017 में योगी के नाम पर चुनाव। अरे यार मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तुम योगी भूलते जा रहे हो। योगी का अब लड़ने ना, योगी जी ने 5 साल अब 4.5 साल नेतृत्व कर लिया है ना, अब लड़ने ना योगी जी के। हमें तो हम किसानों को तो और फायदा है ना, अब चेहरा निकाब खुल गया ना। डिब्बे में जो इन्होंने मोहरें बंद कर रखी थी, जो जादू बंद कर रखा था, वो निकल गया ना। योगी आदित्यनाथ जी ने किसके लिए कितना किया, देश में कितनी गरीबी हटाई, कितने लोगों को रोजगार दिया, सारा कुछ पता चल गया। इस मुद्दे पे होगा वोट? वोट विकास के मुद्दे पे होगा और विकास का मुद्दा ही देश में और अब प्रदेश में चलेगा। हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम देख के भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें दे के हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। 2017 में अखिलेश यादव ने कहा काम बोलता है, हमने काम दिखाया है, लोगों ने नकार दिया। अरे भाई 2017 में अखिलेश यादव जी का काम नकारा ना लोगों ने, लेकिन दिलों में अखिलेश जी का याद किया ना। ये एलिवेटेड पे लोग जाते हैं, ये एक्सप्रेस हाईवे पे लोग जाते हैं, 108 नंबर पे जाते हैं, जो लोग डायल 100 पे जाते हैं, जो लोग गरीब बेरोजगारी भत्ता पाते थे, बेटियों को कन्यादान मिलता था, ये जो जितने मिलता था वो लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ, मैं मेरी बात सुन ले ओ भाई, पहले मेरी पूरी बात सुन ले। वो लोगों के दिलों आज जाग रहा है ना, ये लोग मानते हैं ना कि काम किया था अगली सरकार ने, अखिलेश ने काम किया था, ये मानते हैं ना लोग? मानते हैं कि नहीं, तुम बताओ पहले। नहीं, अखिलेश यादव जी ने कहा लोग काम मानते। अरे लोग आज लोग किस मोहल्ले में तुम कैमरा लेके पहुंचो, अगर लोग ये कहते हैं कि ये लोग गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ने काम किया और नहीं तुम बताओ, तुम मुझे ये बताओ। यादव जी आप बात सुनिए, यादव यहाँ जाति का जाति बिरादरी की बात मत करो, यहाँ बात मायावती को कहते थे कि बहुत अच्छा प्रशासन। तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना लोगों ने कहा अखिलेश ने बढ़िया काम। मैं ये कह रहा हूँ जिस धरती से तुम खड़े हो और यहाँ से तुम 50 किलोमीटर इधर उधर चले जाओगे, मायावती जी ने बहुत काम किया और पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बहुत काम किया, ये बात तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम रोज गाड़ी पे घूमते हो, तुम यहाँ से 200-500 किलोमीटर जाते हो, तुम ये बात मानते हो कि नहीं मानते? और तुम ये भी मानोगे कि अखिलेश यादव के मोहल्ले में किसी भी मोहल्ले में चले जाओ कैमरे के पीछे लोग ये कहते हैं कि हाँ अखिलेश यादव ने काम किया। तो काम अखिलेश, सुनो, नकारा इसलिए कि हम सब हिंदू बन गए थे, हमने सबने काम पे तवज्जो नहीं दिया था, ये सबने कहा था कि भाई हमें आके दरवाजे पे मुसलमान आ रहे हैं, पाकिस्तान वाले फरसा लेके खड़े हैं, हिंदुओं को काट डालेंगे। तो आप पेट ओ भाई, 2022 में ये क्या गारंटी है कि आप हिंदू नहीं बनोगे? अब नहीं बनेंगे ना, हमने देख लिया ना, मुसलमान भी मरा, दलित भी मरा, ओबीसी भी मरा और इनका सगा कोई नहीं है, यहाँ तक कि इनने ठाकुर और ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ा, उनको वो भी इनके सगे नहीं है, तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ब्राह्मण के समझ में आ गया कि ये हमारे नहीं है, क्योंकि 650 ब्राह्मणों का इन्होंने मरवाया है, और सुन लो, हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को मरवाया है, 1000 से ज्यादा दलित मरवाए, 1000 से ज्यादा यादव मरवाए, कौन सी जाति छोड़ी इनने? सारी जातियों के जिनके भूत सवार था। और सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, ये किसान जो बैठा है ना, जो हम सब बैठे हैं ना, हम सब बड़े वाले हिंदू बन गए थे, लेकिन हमारे जो लात मारी है इन्होंने हमारा हिंदुत्व, सबसे पहले हमें जमीन बचाने और रोटी खाने के लाले पड़े हैं। तुम यार क्या बात कर रहे हो? बॉर्डर पे किसान, मैं ये कह रहा हूँ सुनिए, जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं अभी वर्तमान में, जो मौजूदा हालात है, जो आंकड़े बताते हैं, रिसर्च बताती है, कितने परसेंट सीटों पर ये असर डालेगा? क्या होना असर डालेगा? हिंदुस्तान में 85% किसान है या नहीं है? तुम, मैं ये कह रहा हूँ, अगर बॉर्डर पे है किसान, अरे
बॉर्डर पर 85% किसान यहाँ चाहते हो सारा। किसान का आंदोलन का मतलब यह है कि अभी अगर 200 देखा नहीं था उस दिन, जिस दिन टिकैत साहब के ऊपर ये इन्होंने कहा था कि आज आंदोलन हटने के पूरे चांस हैं, और इन्होंने वार्निंग दी थी, और फोर्स दुनिया भर का पूरे उत्तर प्रदेश का और भारत का यहाँ जब घूम रहा था तो क्या हुआ था, टिकैत साहब की एक अपील पे रात रात में 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ आई थी, और दूसरे दिन ट्रैक्टर 1000 से ज़्यादा आए थे, और यहाँ भीड़ इतनी आई थी। मैं कहता हूँ सर, टिकैत साहब की अपील से वोट भी कन्वर्ट होगा? टिकैत साहब की वोट, ये एक एक किसान टिकैत है। हाँ। एक बात समझ लो, एक एक किसान तो नहीं है। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं है, तुम्हें कैसे लगता है? हाँ। अगर टिकैत साहब के कहने से किसान बॉर्डर पे आ सकता है। हाँ। तो ये बात पता है कि बंगाल में जाके किसान प्रचार कर सकता है और किसानों की दिशा मोड़ सकता है, तो उत्तर प्रदेश का तो किसान यहाँ छाती अड़ा के बैठा है, इन्हें दो दो हाथ हो जाए। हमें किसी, मैं तुम पहले एक बात समझ लो तुम, कि हम किसी सरकार का पक्ष नहीं करेंगे, लेकिन ये बात भली बात तुम समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी को हम खुल के विरोध करेंगे, और एक एक किसान पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। तुम्हें चाहे जहां वोट दो, जहां तुम्हारी श्रद्धा हो, जहां तुम्हारी इच्छा हो, वहां तुम वोट दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे किसी भी किसान से। भारतीय जनता पार्टी का नाम अगर ले लिया तो तुम और कैमरा दोनों अपने सुरक्षित रखना, यह बात ध्यान रखना। धमकी नहीं दे रहा हूं मैं, सत्य कह रहा हूं। तुम किसानों को भड़काओ मत, किसान को एक बात बताओ, किसान की जमीन, कमीन की जमीन, सवाल पूछ। अरे भाई एक बात बताओ, तुम जमीन छीन लो हमारी, तुम हमारे रोजगार ले लो, तुम हमें पेट्रोल महंगी दो, है ना, और फिर बाद में तुम ये कहोगे हिंदू के नाम से हमें वोट दे दो। ए भैया हम पागल हैं, हमें मेंटल सर्टिफिकेट हमारे पास है, तुम हमारे सरकार कानून ला रही, जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही, तो जनसंख्या, तो जनसंख्या कौन सब तारीफ, कितने बच्चे हैं तुम्हारे, कितने बच्चे हैं, साहब ने अरे क्या कहा, क्या साहब ने भी कहा कि अच्छा है ठीक, तो लाते रहे ना कानून, कानून लाने से क्या होगा, कानून वो किसके लिए है, किसके लिए है, नहीं आप कानून किसके लिए है, सपोर्ट कर, अरे मैं ये कह रहा हूँ कानून, कानून का जो कानून भारत में भारत के हित के लिए बनेगी हम उस कानून का सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये कानून, वो कानून किसके लिए है, वो कानून किसके लिए है, ये मुझे कानून सबके लिए है ना, वो सबके लिए है, आप सपोर्ट करोगे, मैं हम सब सपोर्ट करेंगे जो भारत के हित में होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के लिए जो सपोर्ट करेगी, उद्योगपतियों के लिए जो काम करेगी, उसमें एक भी किसान सहयोग और साथ नहीं देंगे। अरे कदम तो अच्छा कदम मानते, कदम तो उन्होंने ये भी अच्छा बताया कि सरकार बना ली मंदिर के नाम से, किसी ने विरोध किया, किसी ने विरोध किया, आपने बनवाई ना, तो अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना, 2014 में पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिल रही थी हमें, उसमें भी हमने इनका कोई, किसी ने विरोध किया, इन्होंने 2022 में सबको मकान देने का वादा किया था, उसमें विरोध तो आज भी मैं कुछ कौन क्यों ना क्यों नहीं, अरे यहाँ जो बैठे हैं उनके दिलों में आग नहीं गुब्बारे उठ रहा है, ये मत कहो, विरोध सब चीज का हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है वो अपनी जमीन बचाने की है, अपनी नस्ल और फसल की लड़ाई है, वो लड़ाई पहले जीतेंगे, सारी कानून है और सारे नियम बात की बात है, जो देश के लिए। कैसे 7 महीने से बैठे आप? 7 महीने बैठेंगे, फार्मूला सीधा समझ लो कि अगर सरकार हमारे कानून जो हमें दिए हैं बिना मांगी मुफ्त में जो हमें दिया है वो हमें नहीं चाहिए, और अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो जो सरकार आएगी वो सुनेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि देश का किसान जाग गया, सरकारें बदलना हमारा काम है, किसानों का काम है, किसी भी विपक्ष पार्टी ने अभी तक आगे हाथ, विपक्ष से यार क्या कि हमें तुम राजनीति करेंगे, तुम किसान को राजनीति नहीं करनी, किसान की सीधी बात समझ लो, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस किसान चल रहा है, जो किसान आएगा, जो सरकार आएगी वो बात करेगी, तो पहला काम ये होगा कि कानून वापसी या कानून लागू नहीं होना है। उत्तर प्रदेश की बात होगी तो सबसे पहले ये है कि उत्तर प्रदेश ये कानून लागू नहीं होगी, इस बात पे बात होगी, और भारत में जब कोई सरकार बनाएगा, देश में जब कोई सरकार बनाएगा, चाहे कोई बनाए, सबसे पहली बात ये होगी, ये कानून निरस्त होंगे, उसके बाद कोई आगे काम होगा। एक आखिरी सवाल, आप कहते हैं हम राजनीतिक है, चुनाव की कोई बात ना करें, इलेक्शन की कोई बात ना करें, टिकैत साहब क्यों कहते हैं कि 2024 में विपक्ष में? अरे भैया तुम एक बात समझते हाँ। नहीं हो, टिकैत साहब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वैक्सीन ढूंढ, अरे ये तो आप तो अपने कानून पर फोकस रखिए भाई, आप कह रहे सरकार उखाड़िए, भाई हम भारत में
में नहीं है, वोट देने का हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन वोट हम किसे देंगे ये हमारा अधिकार है या नहीं है? है कि नहीं है? वोट ना दें तुम क्या चाहते हो? वोट हमने पहले जिसे दिया हम नहीं देंगे, इतना कहते तो तुम्हें दर्द क्यों होता है? हम उसे नहीं देंगे जिसे राजनीति का मतलब क्या? तुम हमें यह कहने लगो कि तुम भारतीय जनता पार्टी को नहीं दोगे तो किसे दोगे? वो हो गई राजनीति। पर मैं खुला तुमसे कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। वो फिर तुम पूछोगे किसे दोगे, वो अब हम तुम्हें यह भी बता दें हम किसे देंगे। तो पर अधिकार को ही रहो, अधिकार पर ही रहो। अधिकार की बात, जब अधिकार से तुम बाहर निकलोगे तो तुम राजनीति करवा रहे हो, कर रहे हो। तो हम ये नहीं चाहते कि तुम राजनीति करो और हम पे करवाओ। वोट देना हमारा अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे ये पक्का समझ लो। भारतीय जनता पार्टी के अलावा हम किसको देंगे ये समय पे हम तय करेंगे कि किसको देंगे। टिकैत साहब भी तय करेंगे, संयुक्त मोर्चा तय करेगा और देश का एक एक किसान तय करेगा। सीधी सी बात।